आने वाले वक्त में हम लोग अपनी रणनीति तैयार करें। मानी बहन जी बहुत जल्द पब्लिक के बीच में आएंगी, जनता फैसला लेगी कि हमको कितनी सीटें दे रही है। 2007 से ज्यादा सीटें हम लोगों की आएंगी और चौंकाने वाले रिजल्ट उत्तर प्रदेश में हम लोग को हासिल होंगे। तो अब बीजेपी को हराने की ताकत वही रखेगा जिसके पास वोट ज्यादा होगा। हमारे पास वोट ज्यादा है तो ताकत तो हम रखते हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ से ताकत रखती है। एक नए नए मुद्दों के साथ जो ज्यादा जरूरतें हैं जो उत्तर प्रदेश में, उन सब जरूरतों को पूरा करने का काम मानी बहन जी करती रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में, मैं हूं सबा खान। इस वक्त मेरे साथ सरोजिनी नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जलीस खान हैं। और वैसे तो पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रचार, बहुत ज़्यादा रैलियां नहीं की गई, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, और उनमें से एक हैं जलीस खान। इन्होंने इतने पोस्टर होर्डिंग्स लगवा दिए कि जिधर ही नजर जाए उधर ही जलीस खान ही दिखते हैं। लेकिन इन्होंने कितना जमीनी स्तर से काम किया है, किस तरह से इनकी तैयारियां हैं, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। सभी साथियों को जय भीम। सर आपने प्रचार और प्रसार तो बहुत अच्छे से किया, इतना तो पार्टियों ने भी नहीं किया आगे आके, लेकिन आपने जमीनी स्तर से कितना काम किया है और आपको कितनी उम्मीद है अपने क्षेत्र की जनता से? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि अभी माने बहन जी ने प्रचार नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर को माने बहन जी ने 5 लाख लोगों के बीच में घोषणाएं करी और अपनी जो बातें हैं गरीब किसानों और मजलूमों की बातें वहाँ काशीराम स्थल पर भी उठाई। हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद माननीय सतीचंद मिश्र साहब लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गए और 97-98 करीब उन्होंने मीटिंग अटेंड करी जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आए। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हमारी पार्टी पब्लिक के बीच में नहीं जा रही। जो अदर पार्टियां हैं उनके कंपैरिजन अगर देखा जाए तो बसपा ने कोई बहुत बड़ा रैली या बहुत बड़ा आयोजन उस तरह से नहीं किया है, एक दो करके ऐसे छोड़ दिया है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि बसपा भी दिखती नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसका कंपैरिजन हमारे यहाँ माननीय सतीचंद मिश्रा जी से करना ये सही नहीं रहेगा। माननीय सतीचंद मिश्रा जी करीब 97-98 उन्होंने मीटिंगें करी, सभी मीटिंगों में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आए। तो आप सीधे कह सकते हैं कि हमारे भले जो नेता हैं हमारे माने बहन जी हैं वो बहुत सी मीटिंगों में वो आईं, उन्होंने अपनी स्पीच दिए, जो ANI पे उन्होंने स्पीचें दी हैं, आवाम के लिए जो संदेश जो देना था वो संदेश उन्होंने दिया है, और उसके साथ साथ माननीय सत्यचंद मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की। अभी 2 जनवरी को हमारी विधानसभा श्रीनगर में भी उन्होंने रैली की, अपना बहुजन समाज पार्टी का संदेश उन्होंने पूरे विधान जो उत्तर प्रदेश में अपना जो संदेश है माने बहन जी ने पहुंचाया है कहीं ना कहीं से, और आने वाले वक्त में हम लोग अपनी रणनीति तैयार करें, माने बहन जी बहुत जल्द पब्लिक के बीच में आएंगी। आपकी क्षेत्र की जनता को आपने किस तरह से तैयार किया, किस तरह की तैयारियां हैं आप अपने जमीनी स्तर से? देखिए, हमने अपनी विधानसभा को 46 सेक्टरों में बांट रखा है और 46 सेक्टर में सेक्टर के अध्यक्ष हमारे अपनी आवाम की जो गरीब किसान और मजलूम हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जो दुख तकलीफ है उनको उन्होंने सुना है, और उन सभी का एक डेटा तैयार किया गया है जो कि माननीय बहन जी को फैक्स भी किया गया है। और इन्हीं परेशानी बहुत से जगह पे हमारे जल भराव की समस्या है, बहुत जगह पे रास्ते नहीं बने हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत से एक सभी गांव में लगभग हम गए हैं जिसमें 100 गांव इस तरीके के हैं जहाँ 20 परिवार इस तरीके के हैं कि आज रात का खाना वहाँ उनका भोजन बना, कल क्या बनेगा उनको मालूम नहीं, कल सुबह का भोजन बना शाम को क्या बनेगा मालूम नहीं, इनका एक डेटा तैयार किया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमारे यहाँ करीब जो विधानसभा श्रीनगर में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, करीब 600 फैक्ट्रियाँ नादरगंज में हैं और हमारे दरोखेड़ा है, करीब 300 फैक्ट्रियाँ हमारे दरोखेड़ा में भी हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट नगर है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट है। हमारी गुजारिश है जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे गुजारिश है हमारी कि करीब सभी फैक्ट्रियों में 2-2 लड़कों को, चाहे सरकारी नौकरियाँ ना सही प्राइवेट नौकरियाँ ही सही, लेकिन एडजस्ट कराने का हम काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ 900 फैक्ट्रियाँ हैं तो 1800 लड़कों को तो सीधे वहाँ जो प्राइवेट नौकरी है उसमें एडजस्ट कराने का काम करेंगे। सारे फैक्ट्री मालिकों का सहयोग हमको मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, वेयर हाउसेस हमारे यहाँ, वहाँ पे बहुत से लोगों की जरूरत होती है, तो अपने यंगस्टर को जो इस समय जो खाने की तंगी से परेशान है वहाँ पे भर्ती कराने का काम करेंगे, उनको नौकरी दिलवाने का काम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। किसी के पास फ्री है कि हम ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे, कोई बोलता है कि हम रोजगार पर काम करेंगे, कोई बोलता है हमारे पास मंदिर है, काशी कॉरिडोर है, लेकिन बसपा के पास क्या है, किस मुद्दे के साथ इस बार बसपा उतरेगी? देखिए,
समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेरोजगारी भत्ता दिया, यंगस्टर को बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन हमारे मानी बहन जी ने सीधे जब मानी बहन जी की सरकार 2007 की बनी, उन्होंने कहा देखिए हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, लेकिन उनको नौकरियों के अवसर इतने खोल देंगे कि उनको बेरोजगारी भत्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मानी बहन जी ने हमेशा गरीब किसानों, मजलूमों, आवाम, जो हमारे यहाँ के जो यंगस्टर हैं, हमारे यहाँ जो युवा वर्ग है, जो भी नौकरियों की तलाश में है, उनके अवसर बहुत खोले और अवसर आगे खोलती रहेंगी। हमारे यहाँ बुजुर्गों को सम्मान दिया मानी बहन जी ने, महिलाओं को सम्मान दिया, कन्याओं को जो एक सुरक्षा प्रदान करी मानी बहन जी ने, चार बार की सरकारों में उन्होंने प्रदान की है। पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी एक नए नए मुद्दों के साथ जो ज्यादा जरूरतें हैं जो उत्तर प्रदेश में, उनसे जरूरतों को पूरा करने का काम मानी बहन जी करती रहेंगी। और भी जो पार्टियां हैं जैसे सपा है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, सभी बोलते हैं हम यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन आप इस पर क्या बोलते हैं? देखिए 2007 में भी लोगों ने कहा था मान्य बहन जी के बारे में कि इस बार 37 सीटें आएंगी तो 40 सीटें आएंगी, 45 सीटें आएंगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने 2007 में भी बनाई, 206 सीटें हम लोगों को मिली। कभी मीडिया ने नहीं दिखाया हम लोगों की, हम लोगों को 206 सीटें मिलने जा रही हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को जो पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में उतरे हैं, क्षेत्र में जन समर्थन भी हासिल हो रहा है, हम लोगों को पूरा विश्वास है 2007 से ज़्यादा सीटें हम लोगों की आएंगी और चौंकाने वाले रिजल्ट उत्तर प्रदेश में हम लोग को हासिल होंगे। ये तो सभी दावा करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि जैसे कि ये होता है कि हमने बहुत सारा विकास कर दिया, मैंने बहुत सारा काम कर दिया है क्षेत्र में, और ये टक्कर जो है सपा और बीजेपी के बीच की है, तो उसमें लोग ये भी कहते हैं कि अब बसपा दिखती नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे क्षेत्र में जब मैंने काम किया, कवरेज किया, तो ये बात सामने आई कि जो है सपा और बीजेपी में टक्कर है। देखिए ये जो बातें आप कह रही हैं, ये बातें मीडिया कह रही हो, अलग बातें हैं। जो हमारे डबल बैनर पॉलिटिक्स हो रही है इस समय, जब मोदी जी की रैली लगती है या योगी जी की रैली लगती है तो अखिलेश जी भी रैली कर देते हैं, तो मीडिया में दिखता है कि दोनों पार्टियाँ ही हैं। आप 2017 के चुनाव को उठाकर देख लीजिए, परसेंटेज की अगर बातें करें तो समाजवादी पार्टी के परसेंटेज से बहुजन समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत ज़्यादा था। 2019 की अगर आप बात करें तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिला था। तो अब बीजेपी को हराने की ताकत वही रखेगा जिसके पास वोट ज़्यादा होगा। हमारे पास वोट ज़्यादा है तो ताकत तो हम रखते हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ से ताकत रखती है? अच्छा, आप एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो आपके क्षेत्र में मुस्लिम किस हद तक आपके साथ जुड़ेंगे, कितना जुड़ने की उम्मीद है? देखिए हम हिंदू मुस्लिम की तो बिल्कुल बात नहीं करते। देखिए ये तो हकीकत है कि यूपी में जातिवाद की राजनीति होती रही है। सभी बोलते हैं, कोई बोलता है ब्राह्मण और मुस्लिम हमारी तरफ है, कोई बोलता है कि हिंदुत्व हमारी तरफ है, तो आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए हम जाति बंधन के मसले में नहीं फंसना चाहते, और हमारे यहाँ 5.5 लाख मतदाता हैं, हमारे यहाँ लगभग 2 लाख जो युवा वर्ग है हमारे साथ, वो लगभग पूरा का पूरा, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सब लोगों से अपनी बातें कर रहा हूँ, पार्टी के वसूलों को बता रहा हूँ, पूरा का पूरा युवा वर्ग हमारे साथ है। और रही बात बुजुर्गों की, लगभग जो बुजुर्गों और महिलाओं और बहनों का हमारे यहाँ वोट है 3 लाख है, वो लगभग आशीर्वाद हमको दे रहा है। तो हमको पूरा का पूरा वोट, जब सभी समाज का वोट मिल रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की कोई बात नहीं, हमको सभी लोगों का वोट मिल रहा है। माननीय बहन जी भी हमेशा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बातें करती हैं, सभी लोगों का साथ है, सभी लोगों का विकास होगा, और उनकी समस्याएं जो हैं वो हमेशा हम लोग सुनेंगे, बहुजन समाज पार्टी सुनती आई है। तो इसलिए कास्ट का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ पार्टी में हमारे माननीय मिश्रा जी भी हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन उन्होंने किया इस समय, हमारे यहाँ जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, सब लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम क्या इससे हमारा कोई लेना देना। अच्छा, आप ये बताएं कि बसपा को कितनी सीटों के साथ इस बार आने की उम्मीद है? देखिए पिछली बार 2007 से ज्यादा सीटें हम लोगों को मिलेंगी, ये बिल्कुल तय है। अब ये जनता फैसला लेगी कि हमको कितनी सीटें दे रही है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि 2007 में जितनी भी सीटें हम लोगों को मिली थी उससे ज्यादा ही मिलेंगी। 2007 से ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ये सरोजिनीनगर से जलीस खान थे हमारे साथ बातचीत में, और इन्हें भी दूसरी पार्टियों जैसे विपक्षी अपने अपने दावे करते हैं, इनका भी दावा वैसे ही कुछ लग रहा है, लेकिन ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है और जनता ने किसे चुना है, अपना मुख्यमंत्री या अपना प्रत्याशी विधायक। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा, देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।